वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरठ रसोई। तो कैसे हैं आप? आज हम अपने किचन में बनाएंगे कुछ मीठा, यानी कि बादामी सेवई, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए कच्चा या उबला हुआ, 1 कटोरी हमें चीनी चाहिए, 1/2 कटोरी बादाम चाहिए, 6 छोटी इलायची चाहिए, 1 कटोरी जवे चाहिए, इस तरह की आती हैं बाज़ार में हल्दीराम की, 1 कटोरी हमें दूध की मलाई चाहिए और 2 चम्मच हमें देसी घी चाहिए। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया, गर्म होने देंगे इसको। अब घी डालेंगे सबसे पहले। आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सिवैया। ये वाली सिवैया इन्हीं सिवैयों में बन सकती हैं, आप लंबी वाली सिवैया नहीं ले सकते, इसमें ही इसका टेस्ट अच्छा निकल कर आएगा। अगर आप उसमें बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि हमें चाहिए। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। अब हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इस वक्त गैस की आंच को फुल कर देंगे। अब देखिए मैंने इसको अच्छे से चला दिया। अब हम इसमें इलायची कूट कर डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने इलायची कूट ली है और डाल दिया इसमें। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे बनाते हुए इसको, और साइड में जो ये मलाई आ जाए इसको भी इसमें साफ करके मिक्स कर दीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी को अच्छे से डिजॉल्व होने तक पकाएंगे, चलाते रहेंगे इसको। ये देखिए एक अच्छा सा उबाल आ चुका है इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम फाइनली चॉप करके। अब इसको हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए बनाएंगे लो आंच पर। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये बन चुकी है। इसके साइडों में जो मलाई आ जाए इसको भी आप ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा, तभी इसका टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे दूध की मलाई। अगर आपके पास बाई चांस दूध की मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन इस दूध की मलाई से ही इसका ऑथेंटिक टेस्ट निकल कर आएगा। दूध की मलाई डालने के बाद इसको चला देंगे अच्छे से। इस वक्त गैस की आंच को हल्का रखेंगे और बाद में इसको फुल कर देंगे और एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, बनके तैयार है हमें मज़ेदार सी बादामी सेवई, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।